जनपद कन्नौज के थाना तालग्राम के अंतर्गत ग्राम पंचायत कलसाम के टिकरी गांव में जूनियर हाईस्कूल के गेट के सामने अवैध रूप से परचून की दुकान अवैध देशी दारू ठेका की दुकान बन गई। आपको बता दें जूनियर हाईस्कूल के जस्ट गेट के सामने विद्यार्थियों से खिलवाड़ हो रहा है। आखिर कब शासन प्रशासन की नींद खुलेगी? शासन प्रशासन की मिलीभगत से अवैध देशी ठेके की दुकान चल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि परचून की दुकान में बेची जा रही है देशी शराब। जब मीडिया कर्मी दुकान पर पहुंचे तो वहां पर पहले ही दारू माफिया अभद्रता करने लगे। इंडिया 18 के लिए कन्नौज से धर्मेंद्र पटेल की रिपोर्ट। वो वाली जो दुकान है वो वाली दारू का अंदर जो सामने वाली दुकान पे क्या नाम उनका मुनीम नाम का है और कोई नाम है और कोई नाम और दारू रोज सब लोग इन्हें पिया ना होते और ये पौवा कहाँ से पड़ेगी आज के पास पर उनके तो यार हम कुछ कह नहीं सका तब पैसा ही तो हाँ ये भी गांव का नहीं हरदोई जिला का एक मेरा काम करता तो मैं लेके आया अपना गांव। अरे मैंने मांगा मैंने तो है नहीं मालूम मालूम पड़ गया ना काम चलता है कंटिन्यू मिलती है पे जाना इसे क्या गरम करना है चाचा।